सब अर्थएंगर। देखो कल की बात है जब मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, जब एक 57 ईयर ओल्ड इंसान के अंदर एक पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। लेकिन ये चीज़ इतनी भी नई नहीं है जितने कि आपको लग रही होगी। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो कि पिग के टिश्यूज के बदौलत जिंदा है। पिछले 50-60 ईयर्स से हम डैमेज्ड हार्ट वॉल्व्स को पिग के वॉल्व्स से रिप्लेस करते हुए आए हैं। ये सुनने में काफ़ी हद तक स्ट्रेंज लगता है कि एक एनिमल का टिश्यू एक ह्यूमन एक्सेप्ट कैसे करता है, जबकि दूसरे ह्यूमन की किडनी भी एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एंड यार इतने सारे एनिमल्स में से सिर्फ पिग ही क्यों? वेल, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझते हैं। तो देखो, जब एक स्पीसी का ऑर्गन दूसरे स्पीसी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है तब उसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ये चीज़ करने का सबसे प्राइमरी रीज़न है ह्यूमन ऑर्गन्स का शॉर्टेज। ये आइडिया ऑफ ट्रांसप्लांटिंग एनिमल ऑर्गन्स इनटू ह्यूमन डेट्स बैक टू 1670s। ह्यूमन टू ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसका सबसे बड़ा एक मेन रीज़न है एक प्रोटीन जो कि है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या फिर HLA। ऑलमोस्ट हर एक ह्यूमन सेल्स के सर्फेस के ऊपर किसी ना किसी तरीके का प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड ये सारे प्रोटीन्स इम्यून सिस्टम के कोऑर्डिनेशन में होते हैं। तो जब एक इंसान का ऑर्गन दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो रेसिपिएंट इंसान की इम्यून सिस्टम उसके HLA को फॉरेन डिटेक्ट करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, ऑर्गन फेलियर होता है एंड बेसिकली इट इज़ रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबा देना ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। HLA के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, जिसकी बदौलत ऑर्गन डोनर एंड ऑर्गन रिसीवर की केमिस्ट्री को मैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ कुछ लोग सालों तक वेट करते हैं उस ऑर्गन के लिए एंड कुछ कुछ लोगों को आखिर तक वो ऑर्गन नहीं मिलता। तो इसका एक ऑब्वियस सॉल्यूशन बनता है, ह्यूमंस को स्किप करो, मूव टू पिग। यू माइट नॉट नो दिस लेकिन ह्यूमंस और पिग्स में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है, जैसे कि उनकी इम्यून सिस्टम एंड उनके ऑर्गन्स काफ़ी हद तक ह्यूमंस जैसे बिहेव करते हैं। एंड हाँ, साइज़ भी काफ़ी हद तक ह्यूमंस के ऑर्गन्स जितनी ही होती है। जो हार्ट वॉल्स होते हैं ना उन्हें ज़िंदा रहने की ज़रूरत नहीं होती, वो बस कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं एंड हार्ट की प्लम्पिंग को सपोर्ट करते हैं। तो आप उन वॉल्व्स को ग्लिटराल्डिहाइड से प्रिजर्व कर सकते हो एंड उस प्रिजर्वेशन के प्रोसेस में उसके खुद के सेल्स मर जाते हैं एंड बचता है सिर्फ वो टिश्यू। क्योंकि वो पिग के वॉल्व्स डेड सेल्स है तो वो HLA प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब देखो, डेड सेल्स HLA प्रोड्यूस नहीं कर सकते इसीलिए रिस्क ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होता क्योंकि ओवर टाइम वो वेयर आउट हो सकता है एंड क्योंकि वो डेड है तो वो रिप्लेस भी नहीं हो सकता। कभी कभी उन डेड वॉल्व्स पर एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं एंड जो जो ह्यूमंस की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है वो उन वॉल्व्स पर रिएक्ट कर सकता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो वॉल्व फेल हो सकता है। अब साइंटिस्ट्स ने इन छोटे रिस्क को भी मिनिमाइज करने का सोचा, तो मेन एंटीजन जो कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम पिग टिश्यू पर अटैक करती है इज कॉल्ड गैलेक्टोस अल्फा 1-3 गैलेक्टोस या फिर अल्फागॉल। फिर उन्होंने उन पिग्स को इस तरह से जेनेटिकली इंजीनियर किया कि जिससे वो अल्फागॉल प्रोड्यूस ही ना करे एंड ह्यूमन उन वॉल्व्स को रेडिली एक्सेप्ट कर सके। ये तो हो गई वॉल्व की बात, लेकिन ये चीज़ इनफ नहीं है पूरा का पूरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने को। तो यहाँ पर आता है जेनेटिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि हम उन जीन्स को रिमूव कर सकते हैं जो कि सेल्स को कुछ अदर एंटीजन्स को प्रोड्यूस करने को बोलते हैं, या फिर हम उसमें कुछ ह्यूमन जीन्स मिक्स कर देते हैं जिसमें कि वो ऑर्गन ह्यूमन को फैमिलियर लगे एंड वो उसे ईजिली एक्सेप्ट कर ले। 2-3 मंथ्स अगो एक ह्यूमन के अंदर एक पिग की किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया था, लेकिन इसका एक डाउनसाइड है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग के ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वेल,
फ्यूचर में हमें और भी अमेजिंग चीज़ें सुनने को मिलेगी, एंड वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं जब हम ह्यूमन ऑर्गन्स को ऑर्डर कर सकेंगे। टिल देन बी फेनोमेनल, पीस आउट। एक्सपेक्ट नथिंग लेस, शिट चेक इज़ आई एम चेस, व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट ईयर। ही गॉट द वेनम, अ टेंजिबल वेपन, नो कमिंग इन सेकंड, दिस लाइफ इज़ अ लेसन, ही गॉट अ न्यू एंजिन फ्रॉम पेन, इट्स अ ब्लेसिंग, न्यू फोकस, नो गेसिंग, जस्ट